हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम हो गए हैं रेडी। अभी बज रहा है सुबह के 4:37। सो गाड़ी आ गया है। आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? वैष्णो देवी। ये तो हम आपके साथ ट्रेन में जाके मिलते हैं। हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। चलो अभी बज रहा है 5:38 और हम जो है ट्रेन में बैठ गए हैं। क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्पेसियस है। मैं दिखाती हूँ, लेग स्पेस भी काफ़ी है एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल मैट फिनिश। अरे दीदी कर रही है एंजॉय। यहाँ पे है मम्मा पापा। हाय, लुक एट द बैकग्राउंड गाइस, ये सनराइज हो रहा है। सनराइज हो रहा है, इतनी ब्यूटीफुल लग रहा है। लुक, अब यहाँ पे मिला है हमें कटलेट। ये है वेजिटेबल कटलेट, केला एंड सैंडविच जो मैंने फिनिश कर लिया है। देखने में तो बहुत यम लग रहा है, लेट्स सी कि कैसा होता है। यहाँ पे है छोले, आप देख सकते हो, एंड है कुलचा एंड ये है वेज कटलेट। बट मैं बता दूँ, जितना भी अभी तक हमें खाना सर्व किया गया है, दे आर वेरी टेस्टी, अमेजिंग, गुड है। एंड बहुत सारा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ब्रेकफास्ट आया एंड खाता हूँ, चल रहा है। लाइक केला सैंडविच, आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब आए हमारे पास छोले कुलचे एंड कटलेट। सो मैं बता दूँगा आप लोगों को कैसा है ये। अब देखने में यम लग रहा है, सो यमी होगा। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। इसमें वेजिटेबल्स भी काफ़ी पता चल रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। देखो, ये भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ। मेरे को ये ट्रेन में मिलेंगे, मैं छाता बीच भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। बट कॉफ़ी मुझे बेसिकली पसंद नहीं आया, क्योंकि कॉफ़ी के कलर बहुत ही ख़राब है एंड कुछ कौन सी ब्रांड है पता नहीं। बट हाँ, चाय उस वाले जो मसाला चाय है वो ज़रूर अच्छा है, और उसमें ब्रांडिंग भी है एंड वो टेस्टी भी है, बट कॉफ़ी इज़ नॉट गुड। और चाची एंजॉय कर रहे हो आप? सो गाइस, अब आ गया है सूप। वो फ्लेवर इज नॉट कैटेगरी। एक तो ये वाला मिला है हमें, हॉट एंड सावर। एक तो नॉर्मल टोमेटो वाला जो सूप है वो है, तो ये वाला हमने लिया है हॉट एंड सावर, क्योंकि हमें टोमेटो वाला पसंद नहीं है। एंड ये तो नॉर्मल सूप है, नॉर वाला, सो डालो और पियो। अभी बज रहा है 12:50 और हमने जम्मू तावी क्रॉस कर चुके हैं। एंड व्हाट अ व्यू फ्रॉम दिस ट्रेन, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। सो हम एंजॉय कर रहे हैं व्यू एक्चुअली विद सूप, सूप के साथ। मेरे साथ बैठी हुई है चाची, हम सूप पी रहे हैं। ये हमारी पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, सब सूप एंजॉय कर रहे हैं और व्यू भी एंजॉय कर रहे हैं। ये आ गए हम टनल में, टनल से बाहर निकलते ही बढ़िया बढ़िया एकदम व्यू आ रहा है, एकदम मस्त वाला।
बाद एकदम 5 से 10 मिनट एंड द टाइम इज 1 बज रहा है, तो हमारा जो है लंच आ चुका है। अभी तक मुझे नहीं पता, दही तो दिख ही रहा है कि इसमें है क्या। लेट्स सी, चेक करते हैं कि इसमें है क्या। ये तो रोटी है पक्का, एंड इसमें होगा दाल चावल सब्जी। चलो दिखते देखते हैं। सो फाइनली वी आर रीच्ड, सब पहुंच गए हम, और 2:30 बजे ट्रेन बिल्कुल आ चुके हैं और हम सब अब जा रहे हैं। सो आप देख सकते हो, सर्विस एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ही मज़ेदार था। 6:00 बजे स्टार्ट हुआ था चलना, अब आज सीधा 2 बजे हम पहुँचे यहाँ पे, तो 2:02 बजे। यस, आ चुके हैं हम होटल में। होटल का टूर मैं बाद में दूंगी, सबसे पहले मैं दिखा दूँ। दिस इज सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल गेस्चर। सो वी गॉट अ वेलकम ड्रिंक, इट्स अ कश्मीरी कावा, एज यू कैन सी। सो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है कश्मीरी कावा। एंजॉय करते हुए अंकित, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो टेस्ट अच्छा है गाइस। सो ये है हमारा रूम, वेलकम टू आवर रूम टूर। सो सबसे पहले आते ही आपको यहाँ पे कवर्ड मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा है। अच्छा, रूम बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पे वॉशरूम है, इसमें मैं बाद में जाऊँगी। यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए ये जगह बना हुआ है। एंड यस, दिस इज मी, हाय। एंड ये है फुल लेंथ मिरर, ये है अंकित, यहाँ पे है मैडम। तो ये काफ़ी स्पेशियस है, देखो रूम तो बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे है ये कॉफ़ी एंड केटल। बाय द वे ये बुक्स हमारा है। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। बाकी दिस इज़ द बेड, एंड वहाँ पे कॉर्नर में देखो पानी की बॉटल दिया है यहाँ पे। एंड यस, इट्स अ ब्यूटीफुल रूम। सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे रूम की, ये रहा पीछे। चलो दिखाते हैं आपको, दीवी दिखाएगी। हाँ, तो ये हमारी बालकनी काफी स्पेशियस है, यहाँ से एक प्रॉपर व्यू दिखता है। यहाँ पे प्रॉपर माउंटेन व्यू है और अभी चांद आ चुका है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, आई गेस ये होटल बन रहा है। ये हवा चल रही है एंड द वेदर ऑफ द काटरा, अभी अभी हम आए हैं तो थोड़ा बहुत गर्मी है, मतलब हमें गर्मी लग रहा है, बट सभी कह रहे हैं कि रात तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी एंड भवन में भी बहुत ज़्यादा ठंड है। ये पूरा भवन की रास्ता है जिसमें ये लाइट जल रही है। ये थोड़ी सी अंधेरा और हो जाए ना, और थोड़ा डार्क हो जाए तो ये पूरा दिखेगा। गाइस, अभी हम निकले हुए हैं कटरा भ्रमण मार्केट में। तो हम अभी मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ पे लोग मतलब जो दर्शन करने के लिए आते हैं लोग बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इनके साथ निकले हैं हम,
ये दोनों। तो अभी हम बस भगवान जी के सामान लेंगे, कुछ देखेंगे। तो बाकी यस, रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, खाली खाली और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, सो वेरी प्लेजेंट वेदर। सो चलो चलते हैं। खाने जाएंगे, अभी हम इस गेट को कर देते हैं लॉक। अब हम आ गए हैं अंदर, देखो मैंने बंद कर दिया है, पर भी मिरर से भी दिख रहा है, दिख रहा है। हम आए हुए हैं अभी सागर रत्न खाना खाने के लिए। तो ये हमारे होटल से ना बहुत पास है, झूठ बोल रहे हैं, ढाबा में बैठे। ये देखो, ये सब लोग हम पहचानते नहीं है, पर मेरे टेबल पे बैठे हैं तो बात करना पड़ रहा है। हो गया है बहुत ज्यादा ठंड, तो मैं ये बाहर बालकनी में हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो पीछे दिख रहा है पूरा वैष्णो देवी का रास्ता, ये सारा पूरा पहाड़। ये रात को बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट दिस इज ब्यूटीफुल। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा, मतलब इतना, मतलब मैंने गलत बोला, मतलब जितना हमने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड हो गया। मैं बालकनी में खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। देखो